असल वरम्ह वरक तेरह फरवरी दो हजार चौबीस सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ इफ्तार आश आज की अपडेट्स से पहले आपको बताते चलें कि कल हमने एक इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो अपडेट आपके साथ शेयर की थी जिसमें आपके ये चार सवाल बड़े थे कि क्या नो मैरिज और लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अब जरूरत नहीं है बिल्कुल है जी अगर आपकी बायोमेट्रिक ना हो तफसीलन वीडियो कल वाली देख लें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसी बैंक से करवाना लाजमी है जिसमें अकाउंट हो ब्रांच कोई भी हो सकती है बैंक वही होगा मुल्क में कहीं भी भी आपके उस बैंक की ब्रांच से आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं साल में दो दफा लाजमी करवानी है मार्च में और सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के शुरू में अगर बुढ़ापे की वजह से बायोमेट्रिक ना हो रही हो तो फिर क्या करें आप जो इसका तरीका है लाइफ सर्टिफिकेट फिर जमा करवाना पड़ता है और आपको फिजिकली अपीयर होना पड़ता है एक दफ़ा लाजमी बल्कि दो दफ़ा वही मार्च और अप्रैल में तो जो वो अफसर होता है वो आपको देख उधर ही लाइफ सर्टिफिकेट ख़ुद भी साइन कर देते हैं बैरू मुक्त में रहने वाले वो पेंशनर जिनका बैंक अकाउंट पाकिस्तान में है वो बायोमेट्रिक कैसे करवाएं भाई इसके लिए फॉरेन अफेयर ने बाकायदा तौर पे अब एम्बेसी में एक अफसर जो है वो बिठा दिए हैं वो आप वहाँ से अब लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकते हैं मेडिकल अफसर के थ्रू भी भेज सकते हैं और वहाँ से साइन करवा के भी भेज सकते हैं क्योंकि बायोमेट्रिक तो आपकी नहीं हो सकती कल की वीडियो में तफ़ील है ये थोड़ा सा शार्ट तारु करवा दिया नो मैरिज सर्टिफिकेट जो बेवा औरतें हैं वो साल में एक दफ़ा जो है ये सिर्फ औरतों के लिए होते मालूम नहीं है कुछ साथी कह रहे हैं ये मर्दों के लिए भी है भाई ये तो आपको मालूम है कि नो मैरिज की शर्त जो है सिर्फ औरतों के लिए है और वो भी साठ साल से कम उम्र साठ साल से अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो आप इसके आपको ये एग्जेमशन है साल में एक दफ़ा आप ये लाजमी जमा करवाना होता है छः महीने तक नहीं जमा करवाएंगे अगर लगातार आपने पेंशन नहीं ली तो जो है आपका अकाउंट मतल हो सकता है जी तो आज की हमारी जो अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले एक अच्छी खबर है टाइम स्केल प्रमोशन केसेस के हल पर सेकटरी कॉलेज के शुक्र गुजार हैं ये बी वाले कह रहे हैं जी ये इनका मसला ये था कि बलोचिस्तान प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन इनके 400 से ज्यादा जो प्रोफेसर थे उनके केसेस थे काफ़ी अरसे से लटके हुए थे पर उनकी टाइम स्केल प्रमोशन नहीं हो रही थी तो अब उनकी टाइम स्केल प्रमोशन हो गई है बहुत बहुत मुबारक हो टाइम स्केल प्रमोशन में मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं कि ये जो टैम स्केल प्रमोशन होता है ना जिसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है टैम स्केल प्रमोशन में अहदा तब्दील नहीं होता सिर्फ हायर उहदा की मराहत दी जाती हैं अगर इसकी तफसील देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि टैम स्केल प्रमोशन में और आम प्रमोशन में फ़र्क क्या होता है जी दूसरी जी एक अहम तरीन अपडेट ये है कि ये नर्सिंग बोर्ड के मुलाजमीन को जनवरी की तनख्वाह ता हाल जारी ना हो सकी हमारा कोशिश होती है कि हम जो मसाइल हैं सरकारी मुलाजमीन के उसको उजागर करें तो ये जो नर्सिंग बोर्ड के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली इसकी वजह क्या है जी ये दो बड़ों की लड़ाई है जी दो बे जिसमें बहुत सारे लोगों की परेशानी हो रही है लेकिन असल जो है बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन और नाजमा की ज़ाती चपकलश की बहस तनख्वाह में तखीर हो रही है तो ये असल में वजह है कि एक जो है वो जो नाजमा है वो एक दूसरी नर्सिंग एसोसिएशन से हैं और जो वाइस चेयरमैन है वो दूसरी नर्सिंग एसोसिएशन से हैं जबकि जो दोनों के दस्तखत होंगे तो ये चेक बनते हैं सेहत से तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपके आपस के मसले की के वजह से ये गरीब मलाजमिन जो हैं ये इनका नुकसान हो रहा है इनकी जल्द अज़ जल्द तनख्वाहें दी जाएं इसी तरीक़ा से एक और बड़ा मसला के और बैंक अफसरान की मिली भगत हज़ारों पेंशनर्स पेंशन से महरूम ये भी जी कराची का मसला है जो के एम सी वाले हैं वो ये जो रहनमा ये कह रहे हैं जो मजदूर रहनमा हैं कि बैंक के बाद अफसरान की जेबों में जाता है जो कुछ दिन तक ये असल में पैसा आपको पड़ा रहे तो जो उसके ऊपर प्रॉफिट होता है वो उनके जेबों में जाता है तो ये पेंशन नहीं दी जा रही जबकि पीछे से पेंशन ड्रा करा दी जाती है इकतीस जनवरी को बल्दी उजमा की जाने से चालीस करोड़ रुपए से ज्यादा रकम महाना पेंशन की मद में जो है वो जारी कर चुके हैं बारह फरवरी तक अंदरूनी मुल्क मुख्तलिफ इलाकों में मुकम हज़ारों पेंशनर महाना पेंशन से महरूम है जिसकी वहद वजह इस रकम को रोजाना की बुनियाद पर सरमाकारी करके इसका मुनाफा के एम सी के चंद अफसरों और बाद बैंक अफसरान की जेबों में जाता है ये कह रहे हैं जी मजदूर रहनमा जो हैं के एम सी के तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनकी पेंशन जो है वो बहाल की जाए एक बड़ा मुतालबा किया गया है तनख्वाओं में इजाफे का वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जो आठ तालीमी बोर्ड हैं जी सिंध के उनके लिए उनके चेयरमैन की तलाश है जी पहले कमिश्नर को चेयरमैन बनाया गया था तो अब उनके इंटरव्यू होने थे फ़िलहाल वो इंटरव्यू नहीं हो सके क्योंकि स्टे ले लिया गया है एक चेयरमैन की तरफ से जी एक तनख्वाहों में इजाफे का ये एक रिक्वेस्ट है तो हम भी इस मुलाज़मीन के तनख्वाहों में खातिर ख़वा इजाफा किया जाए अमीर मोहम्मद काकर ये का कोटा के डिवीजन के सदर हैं तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कोई भी बने महंगाई बहुत ज़्यादा है तो प्रायरिटी जो है वह तनख्वाहों में इजाफ़ा हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि अलाउंसिस और तनख्वाहों में इजाफा डी आर ए भी सफ़ा नहीं मिला तो ये जो डिस्पेटरी रिडक्शन अलाउंस स्पेशल जो ये महरूम मुलाजमी है उनकी तनख्वाहों में खातिर खा इजाफ़ा किया जाए जो महंगाई के तनासब से क्योंकि अभी तक हुकूमत बनी नहीं है लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान आना है उसके लिए आप तैयार रहें इन शाला ती तरह आपको चैनल पे नए हैं तो आपको अपडेट रखेंगे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अल्लाह हाफ़